अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो गाइस आज हैं हम देर इवेंट पे, इवेंट की कवरेज करने आए हैं। सीजन के दिन है तो हम ऐसे करना पड़ेगा यार, अब इसके अलावा गुजारा नहीं है ना। कराची का लौंडा जा रहा है, ये हमारे भाई कराची के हैं, ठीक है। आज इनका मूड बड़ा ऑफ है, लेकिन भाई व्लॉग को देख के बड़े खुश हो रहे हो यार, हैं इतनी खुशी। और ऐसे था सीन आज का गाइस के जुम्मे का, मतलब हमारा सीन बड़ा अजीब हुआ है। पहले अली मस्जिद में जुम्मा हो चुका था, फिर उस्मान भाई ने करते कराते कोई मस्जिद ढूंढ ली है या सोच ली थी, तो हम गए अभी जुम्मा पढ़ के वहाँ से निकले हैं। और आज मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ नहीं जा रहा, क्योंकि आज हमने इधर जाना है। तो हम आ चुके हैं साथ साथ, इसलिए शाम भाई को रिक्वेस्ट करते हैं या कहेंगे कि भाई जान आज आपने हमारा व्लॉग साथ साथ कर लिया, अपना आज रहने दें। भाई भी व्लॉगर है, मतलब हमारे शहर में व्लॉगर, भाई को सपोर्ट भी करना है आपने, ठीक है। इनके जो नया चैनल ये बनाएंगे, ये बनाया है तो इसका मतलब लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हम जो कर सकते हैं भाई के लिए करेंगे, और आप भी कर देना। कुछ नहीं जाता यार, मैं क्या मतलब क्या बंदे जाएगा कि, मैंने दस ना यार। उस्मान भाई भी वो गड्डी पार्क करके है, पारन है साइड पर ला के, तो है टेस्ट वेस्ट भी खा रहे हैं सानू। ठीक है, अभी हमने शराबंदी कर ली है और हम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि हमने इनसे पहले पहुंचना है, क्योंकि हमने इनको रिसीव करना है। उस्मान भाई गाड़ी भगा के लेके जा रहे हैं। पारो कह रही है कि भाई थोड़ी मेहरबानी, मैंने माफ़ कर दो। अभी मैं मार्केट पहुँच गया हूँ और बस अभी जल्दी जल्दी कवरेज करनी है स्टेज की। जल्दी गया हूँ अंदर जाके, मैंने मतलब स्टेज के कुछ सीन लेने थे वो लिए हैं, और अभी बस वेट कर रहे हैं बारात आने का, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने सोचा था कि तो शाम में हमारी हेल्प करेंगे भाई, मुझे नहीं मिल रहे, इन्होंने क्या व्लॉग करना है। उस्मान भाई लिए घूम रहे हैं इनके साथ साथ, तो भी जा रहे हैं और मैं कब भी हूँ भाई, मैं था कि वो भी सारी लेडीज में दो टेबल हैं जिनकी भाई ने बुला लिया, कह रहे हैं गाइस अभी बस कपल शूट कर रहे थे, उधर सुप्रीम है तो अभी इनकी एंट्री करवानी है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि शाम भाई की तबीयत नहीं सही, तो वो इतना ज़्यादा बना भी नहीं सकते और मैं इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने फिर ये भी काम करना है। अब गाइस अभी हम मार्की से फ्री हुए हैं और अभी हमने जाना है वेलकम होम के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने जहर लगता है यार। मैं उस्मान भाई ने कितनी बार कहा कि यार ये काम हो तो मैंने नहीं बुलाना, पर क्या करें, आप काम है तो करना पड़ेगा। तो हम वेलकम होम के लिए पहुंच गए हैं और उस्मान भाई की पार्किंग नहीं हो रही, वो मतलब पीछे गाड़ी लगी हुई है, तो अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर अब निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे बाकी वो हमजा लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं शायद उनके पास अभी जाना हो, तो ये व्लॉग फिर इधर ही एंड करेंगे और दूसरा वहाँ पर शुरू करेंगे। यहीं पर एंड करने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ से अभी निकलेंगे तो सही, मतलब अच्छे से बोल के जाऊँगा, ऐसे नहीं जा रहा मैं, अभी आ रहा हूँ, रुको जरा। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ से हम निकले, हमें देर हो चुकी थी और मुझे जल्दी की, मैंने कहा यार निकलते हैं नमाज़ पढ़नी है, उस्मान और शाम के चले गए थे और मैं रुक गया, क्योंकि मैंने हमदा लोगों को टाइम दिया था, जैसा कि आपको मैंने बताया, तो अभी बस उनके साथ जाना है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।